Hello, gamers. Heck is on. वेल लास्ट वाले वीडियो के मैं कमेंट पढ़ रहा था और उसमें एक बंदे ने लिखा था कि टेम वाइवन। देखो भाई, मैं वाइवन टेम कर सकता हूँ, बट मेरे पास जो एरो है उससे मैं प्राइम टियर को नॉक तो कर सकता हूँ, बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और मैं कम लेवल का पकड़ना नहीं चाहता, 500 से ऊपर लेवल का पकड़ना चाहता हूँ, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एंड इसके बाद वाले टीयर का एरो मेरे पास है नहीं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैंने ग्राइंडिंग नहीं किया। यस, मैं थोड़ा सा लेजी हो गया था। एनीवे, सो मुझे आज क्या करना है, मुझे आज करने हैं थोड़े से बॉस फाइट। लेट्स सी बॉस फाइट्स क्या क्या है। सो मैंने यहाँ पे बॉस समनर सारे बना लिए, अब पता नहीं इनमें से कौन सा बॉस समनर सही होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करना चाहूंगा वनीला बॉस फाइट, क्योंकि वनीला बॉसेस मुझे मानने एलिमेंट मिलेंगे उनसे। सो मैं यहाँ पे बैठा दूँ, ऑफकोर्स यहाँ पे बॉस फाइट नहीं करूंगा, मेरे बेस पे मेरे डोडोज मर जाएंगे। मुझे देखना है कि क्या क्या है। एबरेशन बॉस, वेनिला बॉस, ओके वेनिला बॉस है, ब्रूट मदर है। ब्रूट मदर अल्फा हार्ड, आई डोंट नो कि कैसे टाइप का होगा ब्रूट मदर। जेनेरिक आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट कहाँ से मिलेंगी, ओ माई गॉड, मैं तो भूल ही गया था इसमें आर्टिफैक्ट मिल चाहिए। अब आर्टिफैक्ट कहाँ से मिलेंगे, वेल ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, आर्टिफैक्ट्स कहाँ से लाऊं मैं। ओके, मैं थोड़ा सा देखता हूँ आर्टिफैक्ट कहाँ से ला सकता हूँ, एंड फिर मिलते हैं। 20 minutes later, वेल मुझे कहीं से कुछ भी जानकारी नहीं मिली। मुझे नहीं लगता कि आर्टिफैक्ट्स मुझे ऐसे मिल जाएंगे नॉर्मली। मुझे एक तो ऑप्शन है केव एक्सप्लोर करना पड़ेगा या फिर चीट्स ऑन करना पड़ेगा, जो कि मैं करूंगा ऑफकोर्स। यार आर्टिफैक्ट्स के लिए मैं नहीं करने वाला ग्राइंड, वो बार बार केव में जाओ, और एक तो ये रिस्पॉन्ड भी नहीं होते आर्टिफैक्ट जल्दी से जल्दी, वरना मैं केव में चला जाता, कोई नहीं उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने कोई एक डायनो को खतरनाक सा लेके जाता और केव में घुस जाते। बट प्रॉब्लम क्या है उसमें कि स्पॉन नहीं होते ना फटाफट, एक स्पॉन हुआ फिर जाके कौन से आधे घंटे बाद एक स्पॉन हुआ, मुझे बहुत सारे बॉस फाइट्स करने हैं, अभी तो बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चीट्स ऑन करूंगा एंड मैं आर्टिफैक्ट्स अपने ले लूंगा जितने हो सके। ये वाला भी हम लोग दो करेंगे आज बॉस फाइट्स, एक है इजी, मुझे देखना है कि कैसे टाइप का होता है बॉस फाइट, एंड एक करेंगे हम लोग मीडियम, और हार्ड भी कर सकते हैं ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ। सो मैं पहले आर्टिफैक्ट्स ले लेता हूँ, फिर जाकर मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, मुझे 3 आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं, सो हम लोग इसको पिकअप करते हैं। एंड ये सारी चीजें मैं इसमें, और आर्टिफैक्ट्स अब हंटर है, बट मुझे आर्टिफैक्ट्स हंटर अभी नहीं उठा सकता, क्योंकि ऑफकोर्स इन्वेंट्री में एक ही आर्टिफैक्ट ले सकता हूँ, तो सारी चीजें इसमें डाल लेता हूँ। चलते हैं बॉस फाइट में, और मैं बॉस फाइट में लिया ऑफकोर्स जानते ही हो मैं किसको लेके जाने वाला हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने ग्रिफिन को नहीं लेके जाने वाला, मैं अपने अल्फा रॉक ड्रेक को लेके जाने वाला हूँ, बट इसको पहले बॉल कर लूंगा। और बॉस फाइट के लिए जगह होने वाला है अपना पुराना बेस, वहां पे भाई बॉस फाइट आराम से होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा खुला जगह है, खुल्लम खुल्ला हम लोग बॉस फाइट करेंगे। वेल आई गेस वी आर रेडी बॉय, इसको मैं घर पे पहुंचा देता हूँ, क्योंकि इसके पास बहुत सारी चीजें और मैं इसको बॉल नहीं करना चाहता। एंड यहाँ पे एक टेलीपोर्टर लगा देते हो गे, टेलीपोर्टर मैंने बनाया था, टेलीपोर्टर व्हाट ये रहा है ना। ओके, यहाँ पे टेलीपोर्टर लगा देते हैं यार, इसका नाम देंगे हम लोग बॉस एरिया, बॉस एरिया। ओकी डोकी, हम लोग अपना निकालते हैं, अपने पास खातून भी है अगर कुछ गलत हो गया, वैसे होगा तो नहीं क्योंकि इटर्नल अल्फा रॉक ट्रेक, ओह माय गॉड, इसके सामने कोई भी नहीं। वेल मैं इसके ऊपर क्यों बैठ रहा हूँ, मुझे पहले बॉस समनर बैठाना पड़ेगा। बॉस समनर कौन सा वाला है, हाँ वेनिला बॉस समनर, यस यस यस। ओके सो मुझे वनीला बॉस ब्रूट मदर करना है पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता। जेनेरिक आर्टिफैक्ट 3 चाहिए, ले 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 भाई, ये ले एंड ये ले। ओके वेल कोई आया है, कोई घूमने आया है माय फ्रेंड, नेवर माइंड, ये कुछ नहीं कर पाएगा अपना। चलो बॉस फाइट लेट्स बिगिन, मुझे पहले से बैठना चाहिए, मैं पंगे लेने नहीं चाहता। वेल ये बॉय आई एम रेडी बॉय, इनविजिबल होके मुझे देखना है कि एग्रो लेता है कि नहीं ब्रूट मदर। जल्दी निकल भाई, ओ निकल गया, एग्रो ले रहा है, एग्रो ले रहा है, आई गेस एग्रो ले रहा है, यस इसको पता है मैं हूं। वेल इसको
मेरा अचीवमेंट अनलॉक हो गया, व्हाट द फक। ओ माय गॉड, मैंने पहली बार खेल रहा हूँ ना, आई मीन पहली बार किसी बॉस को मारा है, मैंने जिंदगी में नहीं खेला आर्क, नॉर्मल मैंने खेला ही नहीं है, और इटर्नल में ही आर्क बॉस मिला पहली बार ना? इसको मैं हार्वेस्ट नहीं कर सकता, व्हाट द फक। हार्वेस्ट हो जा नहीं होगा ये। मेरे एनग्राम्स में बहुत सारी चीजें खुला बट मैंने देखा ही नहीं क्या क्या चीजें खुला। वेल आई गेस मुझे एक और बॉस करना पड़ेगा फाइट, सो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए मुझे वो देखना है, बट ये हटेगा तब ना, इसको हटाऊं कैसे? ओके कर सकता हूँ क्या, इसको मैं पिकअप कर देता हूँ ऐसे की तैसे, अब ठीक है ना। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, टेलीपोर्ट करता हूँ एंड होम से सारी चीजें लेके आता हूँ, बॉस हार्ड करेंगे हम लोग इस बार। वेल ऐसा देखने को मिल रहा है कि मेरे पास कुछ चीजें नहीं है। अर्जेंट एविस्टेलन जो कि मिल जाएगा, एक ही चाहिए। सार्कोसुसस स्किन 7 चाहिए। टाइटन वो वेनम 2 चाहिए। वेल आई गेस गाइस मुझे सारी चीजें मिल चुकी है, जाके देखते हैं फटाफट। मैं पार कर गया। यहाँ पे बहुत सारे फीस पांडस है, फीस पांडस के क्या सीन है? ये तो मैक्स लेवल का है ऊपर से। फीस पांडा ट्रिप्यूट डायनो डोनेटेड बाय वन ऑफ जीजी फीस कम्युनिटी मेंबर्स। अरे ऐसे की तैसी, वैसे भी प्राइम टॉर्पो टू केओ चाहिए, मतलब प्राइम ये चाहिए एरो, सो मैं तो नहीं बना सकता ऑफकोर्स। ओके तो गाइस मैं ये वनीला बॉस समनर एक घर पे भी छोड़ गया है एंड यहाँ पे एक लेके आया, क्योंकि वहाँ पे मैं चीज़ें देख सकता हूँ कि क्या क्या चाहिए और मैं खींच सकता हूँ, पुल कर सकता हूँ, फिर जाके मैं यहाँ पे लेके आ सकते हैं, यहाँ पे स्पॉन कर सकता हूँ, सो इसी कारण। एनीवे मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ जितने भी चाहिए, मुझे पता भी तो नहीं है क्या क्या चाहिए। मैं गू क्यों डाल रहा हूँ, आई मीन स्पॉइलमेंट गू तो नहीं है वो। ओके सो ब्रूट मदर, आई गेस मेरे पास आर्टिफैक्ट नहीं है, मैं आर्टिफैक्ट लेने लाना भूल गया, और मैं बहुत सारी चीज़ें लाना भूल गया। अभी घर के जाकर लेके आता हूँ, पहले ये सब चीज़ें भी ले लेता हूँ मैं। वेल गाइस मैं सारी चीज़ें लेके यहाँ पे आ चुका हूँ, ये क्या डाल रहा हूँ पता नहीं कहाँ से मिला ये, आई गेस ये बॉस को मारने से ही मिला और ब्रूट मदर को। एनीवे हम लोग हाईएस्ट ब्रूट मदर स्पॉन करते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड वाला। वैसे इसके सामने मुझे नहीं लगता टिक पाएगा, क्योंकि जो ईजी वाला था उसको तो ऐसे ही बाइट अटैक में मार दिया, मैंने तो फायर यूज ही नहीं किया। ये फिर से टेढ़ा फेंक रहा है की बहन की लोड़ी। ओके स्पॉन हो चुका है 4.8 में। आर यू सीरियस बॉय, इतना कम? हाँ भाई तुम कितना डैमेज देते हो मुझे थोड़ा सा बताओ। ओके डैमेज प्रिटी गुड बट या जस्ट लाइक दैट। ओ भाई क्या क्या खुल गया। Well, you are dead, my friend. क्या बॉस फाइट्स है, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे? वैसे ऑफकोर्स ऐसे ही होगा बॉस फाइट्स, क्योंकि मुझे ही तो चाहिए था। लेट्स गो 200 एलिमेंट्स, अब मैं फोर्स फील्ड बना पाऊंगा आई गेस। लेट्स सी। मैं और बॉस फाइट नहीं करने वाला अभी, इसके बाद मुझे सारे बॉसेस मारने भी लगे। इसके बाद वाले एपिसोड मैं सारे बॉसेस एक बार में मारूंगा, इतने सारे ग्राइंडिंग करके रखूंगा, सारी चीजें लेके रखूंगा, ठीक है, सारे बॉसेस एक बार में मारेंगे। ओ माय गॉड रॉक ड्रेक को टेलीपोर्ट किया तो पूरा जमीन हिल गया, रॉक ड्रेक जैसे ही टेलीपोर्ट हुआ। एंड इसको थोड़ा सा मैं कहीं अच्छी सी जगह पे रख देते ना, नेवर माइंड मेरा आर्टिफैक्ट्स ऑफ हंटर गिर गए सारे। अच्छी जगह मतलब इस जगह में रख देते हैं। ओके ये जगह सही लग रही है मुझे। इन्वेंटरी में दिखता है ये देख सकते हो, लेफ्ट में भी दिख रहा है कि वायलेट कलर का, बट यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। सो गाइस आज की वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इजी बॉस फाइट किए, मतलब जिंदगी का सबसे ज़्यादा इजी बॉस फाइट, वैसे पहली बार कर रहा हूँ बॉस फाइट ये, मेरा अचीवमेंट भी कंप्लीट हो गया इस टीम का। एनीवे गाइस अगले वाले एपिसोड में मैं सारे बॉसेस एक बार में हराऊंगा, लगातार हराते रहूंगा। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।